ऐसी बारिश कि सब कुछ पानी पानी हो गया। नदियों में हाहाकारी उफान, शहरों में समंदर जैसा मंजर, मकान दुकान सब पानी पानी। बारिश बाढ़ से गुजरात में जल तांडव। गुजरात के नवसारी की आज की तस्वीर है। नवसारी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के पास स्थित एक पशु पक्षी केंद्र है। तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जिस जगह पर पैदल जाना मुश्किल हो, चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो सोचिए यहाँ रहने वाले बेजुबान जानवरों का क्या हाल होगा। यहाँ रहने वाले बेजुबानों की खोज खबर लेने जब कुछ पशु प्रेमी बोट से निकले, तो उनके साथ आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया भी मौजूद थे। आप ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम एक पशु पक्षी घर में मौजूद है और यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। और अभी भी लेकिन ये जो लोग हमारे साथ मौजूद है वो कोशिश कर रहे हैं जितने पशु पक्षी बच सके उनको बचाया जा सकते। तस्वीरें आप देखिए इस पूरे इलाके की, 24 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा पशु पक्षी घर है, नवसारी हाईवे पर मौजूद। लेकिन जैसे ही तेज बारिश हुई, बाढ़ का पानी इसके अंदर घुस चुका और पूरा का पूरा ये जो शेल्टर होम है पूरी तरीके से पानी में डूब गया। आज तक आपको लगातार दिखा रहा है कि नवसारी से वलसाड़ तक किस तरह बाढ़ में फंसे इंसानों को पानी से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। आज तक की टीम बेजुबानों का रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रही है। इस केंद्र में करीब 1200 पशु पक्षियों का वास है, 42 मवेशी मारे जा चुके हैं। केंद्र के 78 साल के मैनेजर ने संकल्प लिया है कि जब तक सभी पशु पक्षियों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया नहीं जाता है, वो इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। तो आप तस्वीरों में यहाँ पर साफ देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है डॉक्टर कम मैनेजर एक सीनियर सिटीजन है और इन्होंने डिसाइड किया है कि इतने बुरे हालात है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है, बिजली नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये वो जगह छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं जाएंगे यहाँ से? नहीं नहीं, नेवर, मैं नहीं जाऊंगा। जो एनिमल का होगा वो मेरा होगा। मैं अभी 3 दिन से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी अब रह लेते हैं। क्या उम्र है? 78। नवसारी में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं, जिन्होंने आसपास के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन कई इलाकों से पानी उतरा नहीं है। कल NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नवसारी के कई गांवों से लोगों को सुरक्षित निकाला। हम लोग 5 दिन से वो बाढ़ में है, हमारे घर के आजू बाजू सब पानी है, घर में भी पानी, घर में भी घुटने से ऊपर तक का पानी है और हमारे सारे इलाके में ही पानी है। अब बहुत दिक्कत है खाने का पीने का, वो बच्चों को और सीनियर सिटीजन को रखने का। यहाँ से 6 दिनों से दिक्कत हो रही है और सबके घर में पानी घुस गया है तो खाने पीने की भी बहुत तकलीफ है। तस्वीरें देखिए, नवसारी के गणदेवी गांव में NDRF की इस टीम को लोगों के फंसे होने की खबर मिली जो पिछले 4 दिनों से अपने ही घरों में कैद है। बच्चे और बुजुर्ग कई दिनों से पानी और खाने की कमी के बीच जिंदगी की जंग लड़ने को मजबूर है। ऐसे में NDRF की जब ये टीम यहाँ पहुँची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नवसारी में बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राज्य सरकार भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुछ इलाकों का हवाई सर्वे कर चुके हैं, जबकि स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से भी लगातार हालात की समीक्षा ली जा रही है। राहत की बात यह है कि फिलहाल बारिश रुकी हुई है और कई इलाकों से पानी निकल भी रहा है। जी हाँ, नवसारी की एक तस्वीर ये भी है, पानी उतर चुका है और कीचड़ से गंदी सड़क दिखने लगी है। जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए यहाँ सफाई अभियान का काम जोरों पर है। हर कोई यही दुआ करेगा कि जिंदगी यहाँ फिर से पहले की तरह पटरी पर लौटाए। आज तक ब्यूरो। कुदरत का कहर महाराष्ट्र पर भी लगातार बरस रहा है। बारिश की शक्ल में बरसाती आफत से लोगों की जान पर बनाई है। आज कल आपको बता दें, कोल्हापुर में एक कार नदी में गिर गई, बड़ी मुश्किल से चालक की जान बचाई गई। स्थिति जो है वो यहां भी भयावह है। ये ले लागू
मूसलाधार बारिश किस तरह इंसानों पर आफत बनकर टूट रही है, उसे जानना हो तो इस तस्वीर को गौर से देखिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के शिरोल तालुका की ये तस्वीर है। पानी में एक कार गिरी है और कार की छत पर खड़ा इंसान जिंदगी बचाने के लिए जदोजहद कर रहा है। कोल्हापुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कोल्हापुर के धनवाड़ में बहने वाली दूधगंगा नदी उफान पर है। नदी के ऊपर पुल से गुजरते वक्त चालक अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो बैठता है और गाड़ी नदी में गिर जाती है। पास के किसानों ने काफी मशक्कत करने के बाद कार चालक की जान बचा ली। महाराष्ट्र में आसमानी आफत जमकर बरस रही है। चंद्रपुर की ड्रोन से ली गई तस्वीर देखिए, सब कुछ डूबा डूबा है। बारिश का पानी बाढ़ की शक्ल में लोगों में मुसीबत बनकर टूटा है। एनडीआरएफ कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। तस्वीर देखिए, ये बिल्डिंग पूरी तरह से पानी के बीच घिरी हुई है। ऐसे में यहाँ रह रहे लोगों के बारे में सोचिए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखिए। एनडीआरएफ के जवानों ने कल एक एक करके 591 लोगों को संकट से निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। प्रशासन ने हमको बताया है कि घर खाली करो, हम अपने सामान वगैरह लेके राजनगर छोड़ के अभी निकल रहे हैं। प्रशासन का पूरा मदद है, हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले। कहाँ जा रहे हैं? हम अपने अपने रेसिडेंस पे जा रहे हैं। एक तरफ एनडीआरएफ के जवान जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। चंद्रपुर के पकड़ी गुड्डम डैम की तस्वीर देखिए। डैम लबालब भरा है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ मछली पकड़ने जमा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, एक कतार से लोग लहरों के बीच मछली पकड़ने जमा है। चंद्रपुर में लगातार 6 दिनों की बारिश से नदी नाले उफान पर है। इराई डैम के 7 दरवाजे 1.5 मीटर से खोल लिए गए, इससे कई और इलाके बाढ़ की जद में आ गए। भिवंडी का भी बुरा हाल नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, 3 बत्ती का इलाका पानी पानी नजर आ रहा है। घर दुकान सब डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये बुधवार की तस्वीरें हैं। अब पालघर का हाल देख लीजिए। पिछले दिनों यहाँ इतनी बारिश हुई कि वेतारणा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। पानी की खौफनाक लहरों को देखकर डर इस बात का पैदा हो गया है कि कहीं ये बेकाबू होकर आसपास के इलाकों में न घुस आए। उधर रत्नागिरी में समुद्र के शोर ने खूब खौफ मचाया। लहरों का तांडव उफान मार रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश जानलेवा हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। कल जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 14 जुलाई के बीच 102 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें बाढ़, आकाशीय बिजली, भूस्खलन, पेड़ गिरने और मकान गिरने की वजह से हुई है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।